आइजोल से 20 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ माओबांग में, जिसका मतलब होता है ब्राउन बैम्बूज या भूरे बांस, और हम जा रहे हैं थेन्जोल जो कि हैंडलूम विलेज है। लेकिन मैं अचानक रास्ते में यहाँ क्यों रुक गया हूँ? क्या मेरे आगे कोई सीमा रेखा बनी हुई है? जी हाँ, आपने ठीक समझा, मैं खड़ा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और आप ये देख सकते हैं ये पूरी लाइन यहाँ पर निशान बना हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, और ये इस बात का प्रतीक है कि हम इस वक्त मॉडरेट क्लाइमेट में हैं। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, और इसलिए यहाँ पर जो मौसम है वो खुशनुमा हो जाता है। एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो ज्योग्राफी एसोसिएशन ऑफ मिजोरम और मिजोरम रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ एक कंपस भी बना हुआ है जो ये बताता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा हिंदी में कहते हैं, यहाँ से गुजरती है। कोई दो राय नहीं कि यही वजह है कि यहाँ का जो मौसम, यहाँ की जो आबो हवा है वो कर्क रेखा की वजह से बहुत खूबसूरत बनी हुई है, और यहाँ पर मौसम हमेशा खुशनुमा बना रहता है। आइए चलते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं हैंडलूम विलेज की तरफ। रंग बिरंग फूल, खिली खिली धूप, साफ सुथरी सड़कें, रिजॉर्ट सा दिखने वाला ये है थेन्जोल। थेन्जोल जाना जाता है अपने हैंडलूम उद्योग के लिए, जो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे तब्दील हो गया है। हर घर की महिला इस उद्योग से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं जैसे ये महिला हैंडलूम पे काम कर रही है, और हैंडलूम पे काम करते हुए जब ये ठक ठक की आवाज़ करती हैं तो ऐसा लगता है मानो हर घर ताली बजा रहा हो अपने गाँव की खुशहाली के लिए। आइए चलेंगे मेरे साथ थेन्जोल के अंदर, और आपको दिखाएंगे किस तरह से ये गांव मिजोरम की खुशहाली का प्रतीक बना हुआ है। आइजोल से 90 किलोमीटर की दूरी पर है थेन्जोल। सरछिप जिले में बसा छोटा सा गांव थेन्जोल जाना जाता है अपनी शानदार हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए। ठक ठक करते ये हथकरघे न सिर्फ खूबसूरत डिजाइन तैयार करते हैं, बल्कि पारिवारिक जिंदगियों का एक हसीन ताना बाना भी बुनते हैं। थेन्जोल की ये महिलाएं न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती हैं, बल्कि अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें भी बखूबी पूरी करती हैं। We are feeling really proud because most of the outsiders who come here, they came to visit the cottage industry of Thenzol, which is weaving. And almost 80% of the population, they are associated with weaving. And one weaver, in approximately, they earn around 6,000 per week. गांव में इन हथकरघों पर तैयार कपड़े आइजोल के जरिए देश के अन्य भागों में पहुंचकर मिजोरम की शान में चार चांद लगाते हैं। गांव के अंदर 2000 से ज्यादा महिलाएं इस कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, और एक स्टडी के मुताबिक करीब 6,000 रुपये कम से कम ये एक हफ्ते में कमा लेते हैं। अब कॉटेज इंडस्ट्री से निकलकर हम चलेंगे ऐशो आराम की दुनिया। जी हाँ, अब आपको दिखाएंगे मिजोरम में जो बन रहा है वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स। पहाड़ियों को काटकर बनाया गया ये वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स नॉर्थ ईस्ट में अपनी तरह का सबसे बड़ा और अनोखा कोर्स है। 85 एकड़ में फैले इस गोल्फ कोर्स में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 18 होल्स हैं। ये कोर्स दरअसल एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है, जिसमें टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट और
लॉग हट्स जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं और ये सब तैयार किया जा रहा है आर्कटिक पाइन वुड से, जिसे रशिया से इंपोर्ट किया गया है। पहाड़ों के बीच में मैं इस वक्त एक अनोखे गोल्फ कोर्स पर हूँ, उसको बनाना अपने आप एक बड़ा चैलेंज था और मेरे साथ ही यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या नाम है आपका? मनीष उनियाल। मनीष उनियाल, हमें ये बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज था, हमने तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है और आपने यहाँ गोल्फ कोर्स खड़ा कर दिया। एक्चुअली अगर हम इसको इस गोल्फ कोर्स को किसी प्लेन या किसी मेट्रो सिटी से कंपेयर करते हैं तो इट वॉज अ बिग एंड अ मेजर चैलेंज, क्योंकि पहाड़ों में हमें इतनी फ्लैट लैंड को डेवलप करना, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज होगा। जब आपने गोल्फ कोर्स देख लिया, गोल्फ को ये 85 एकड़ का जो लैंड हम लोगों ने डेवलप किया है, इसकी कटिंग, इसका एक्सकेवेशन और इसकी स्लाइड्स को डेवलप करना, इसको जो स्लोप्स डेवलप हुए हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के गोल्फ कोर्स के लेवल के लिए, जो हम लोगों ने स्लोप्स डेवलप करे हैं, वो अब अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। 18 होल्स का ये गोल्फ कोर्स है, यहाँ पर कोई भी नेशनल टूर्नामेंट हो सकता है, इसको रिजॉर्ट के तौर पे भी डेवलप किया जा रहा है और ये जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जा रहा है या जो अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, उसके लिए जो टिम्बर बना मंगाया गया है वो रशिया से मंगाया गया है, तो रशियन टिम्बर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या क्या बना रहे हैं आप? एक्चुअली रशियन टिम्बर का मेन रीज़न ये है, रशियन टिम्बर या आप किसी आर्कटिक पाइन की बात हम करते हैं तो जो पाइन हम रशिया या आर्कटिक से इंपोर्ट करते हैं उसका वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से दिया है तो इन कंपैरिजन टू द इंडियन पाइन द कंस्ट्रक्शन के लिए द बेस्ट पाइन माना जाता है आर्कटिक पाइन या साइबेरियन पाइन, तो इसलिए हमने इसको रशिया से इंपोर्ट करके यहाँ पे लाए हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंट थे जिसे काटना इम्पॉसिबल था, बट हमने भी फिर हार्ड वर्क करके, हमारे स्टाफ ने जितने भी हैं सब ने साथ दे के इसको जो हमारा डिज़ाइन था उसके ऊपर लेवल पे लेके आए हम। जब आप गोल्फ कोर्स को डेवलप करते हैं तो क्या देखते हैं आप? मेजरिंग हमारा वर्क रहता है कंटूरिंग, उस पर फोकस करना हमारा जरूरी रहता है। बाकायदा अगर लेवल हम नहीं प्रॉपर चेक करके चलेंगे आर्किटेक्ट डिज़ाइन के ऊपर तो हमारा काफ़ी कुछ इधर उधर हो जाता है। कोर्स के कंटूर्स और हरे भरे माउंट्स को देखकर ये कहना मुश्किल होगा कि यहाँ कभी पहाड़ियाँ थी जिन्हें काटकर घास के मैदान में तब्दील कर दिया गया है। जल्द ही इस कोर्स पर बड़े गोल्फ टूर्नामेंट होंगे। इतना ही नहीं, कन्वेंशन सेंटर और रिजॉर्ट मॉडर्न लग्जूरियस लाइफ की बेहतरीन सुविधा भी उपलब्ध कराएगा जो सीधे तौर पर पर्यटन से जुड़ा है। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। तो आज ही policybazaar.com पे जाओ, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लो सिर्फ 500 रुपए महीने में। पक्की होगी बुनियादे तो हंसे हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। घर घर में सबने शौचालय बना लिए। अरे भाई साहब, असली हीरो तो कोई और है। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ। अरे असली हीरो, अपना हार तो पहन लो। हीरो? चाचा हीरो का फर्ज ही तो निभाया, दरवाजा बंद रखे, गंदगी और बीमारी को पहले से भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद और याद रहे शौचालय का इस्तेमाल और देख रहे हर कोई हर रोज हमेशा। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना, अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊंगी? ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो, 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। लाइफ की कोई गारंटी नहीं, इसलिए policybazaar.com से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा लो सिर्फ 490 रुपए महीने में, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
गांव ने किए दरवाजे बंद, मुछू वाला नथुलाल रह गया मंद। नथुलाल के तनिक समझावा, शौचालय का रास्ता दिखावा। ए नथुआ, जब से शौचालय बनाया बाहर नहीं गया, बेटा 15 मिनट से अंदर है, रहा नहीं गया। एक ही नहीं, सब दरवाजे बंद रखेंगे, क्योंकि एक भी बाहर गया तो हम सब बच्चे बीमार पड़ेंगे। क्या रे नथुलाल, दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रहे हर कोई हर रोज हमेशा। I've been a voter for the last 10 years and I've always thought, what if there is a verification system which provides proof that I have voted for the candidate and the party of my choice. The voter verifiable paper audit trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. This is a good thing. आइजोल से निकलकर मैं इस वक्त पहुंच गया हूं माउवाल में, और जहां मैं खड़ा हूं वो दरअसल एक खेत है। ये जो कांटेदार डालियां आप देख रहे हैं, इन पर जो पत्तियां लग रही हैं, इनको खांगुआ कहते हैं, और ये काफ़ी महंगी बिकती है यहां पर। दरअसल ये जो ऑथेंटिक एथनिक मीजो फूड है उसका अहम हिस्सा है। आज वीकेंड का दिन है तो क्यों ना कुछ खाना पीना हो जाए। आइए चलिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा कैसे मिजो फूड तैयार किया जाता है, वो भी बैम्बू के अंदर। मिजोरम के मेन्यू में नॉन वेज फूड का अहम हिस्सा है, लेकिन देश के बाकी इलाकों की तुलना में यहाँ का नॉन वेज कम मसालेदार और बॉइल्ड होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांस में पकाने की वजह से पूरी तरह हाइजीनिक और सेफ। और मैं इस वक्त किचन में पहुंच गया हूं जो पूरी तरह से बांस का बना है और बांस में खाना पकेगा। ये कुछ मछलियां हैं छोटी छोटी जो फर्मेंट किया गया है इनको। ये यहीं पर मिलती है मिजोरम में। स्टैनली से हम पूछेंगे कि इनको क्या बोलते हैं। स्टैनली, व्हाट आर दीज फिशेस कॉल्ड? दिस आर कॉल्ड नत्सी। नाम बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पत्तियां भी रखी हैं जो यहीं पर रुकती हैं, कांटे हैं इनके अंदर। मैंने उठाया तो मुझे चोट लग गई, कांटे चुभ गए। स्टैन, व्हाट आर दीज लीव्स? दिस आर कॉल्ड चिंगी। मिजो भाषा में से चिंगी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे चूल्हे की लौ उठ रही है और ऊपर ये रोस्ट हो रहा है, और हम इन देंगे स्टैंड से। मैं बोलूँगा कि ये फिशेस को भी इनके ऊपर रख दें। और ये आप देख सकते हैं कि बांस के अंदर फंसा के इनको रखा गया है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं एथनिक मिजो फूड का प्रिपरेशन, जो वेज और नॉन वेज दोनों है। नाउ वी आर गोना कुक अ वेरी ट्रेडिशनल मील। फर्स्ट वी विल स्टार्ट ऑफ विद मिक्स वेजिटेबल्स, दोस आर कॉल्ड बाय। इट्स अ स्पेशल वे ऑफ प्रिपेयरिंग। यू कैन कुक एनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, बट द वे ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड बाय। एंड वी विल हैव सम bamboo. We'll also cook with the bamboos, and those are called vipaden. Why is it so important for miso food?
Well, lately, you know, Western influences are coming in, but at the same time, we have to appreciate our traditional system. So, in a way, to promote it, it's very important for us that we have our miso food, especially for the tourists and everything. Those who are a bit adventurous with food, yeah, this is the must try. उम्मीद करता हूँ कि स्टैनली ने बहुत टेस्टी खाना बनाया होगा, दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, तो मैं टेस्ट करूँगा आपके लिए। वाकई बहुत टेस्टी है यार, बहुत मज़ा आ गया। और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पीछे ये पूरा नज़ारा है, सूरज ढल रहा है और बाहर जंगल है, मैं एक खेत पर हूँ और ये एक बैम्बू का हट बनी हुई है, यहाँ पर बैठकर हमने ये खाना बनाया है। लेकिन मानिए, अमेजिंग टेस्ट है, मैंने बहुत दिनों बाद एक डिफरेंट खाना खाया है, मैंने इसको पहले कभी नहीं खाया, बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि मैं इस टेस्ट को जानता हूँ। और जब आप किसी जायके को पहचानते हैं तो आपकी भूख और भी बढ़ जाती है और आपको मज़ा और भी ज़्यादा आता है। मिजोरम को अगर फूलों की घाटी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, रंग बिरंगे, खुशबूदार और तरह तरह के गुलदाउदी, गुलाब और एंथूरियम तो मिजोरम में खूब उगता है। आइजोल से 25 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ आइलोंग में, और आप देख सकते हैं दूर दूर तक खूबसूरत लाल फूल उगे हुए हैं। ऐसा लगता है मैं फूलों की घाटी में हूँ, लेकिन ये सच नहीं है, मैं हूँ एक ग्रीन हाउस में, उन्हें एंथूरियम कहते हैं। दरअसल मिजोरम पूरे हिंदुस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एंथूरियम है, और यहाँ कितने तरह के एंथूरियम लगे हुए हैं, आइए इसके लिए बात करते हैं ग्रीन हाउस के इंचार्ज चंदन से। चंदन, ये बताइए कितने तरह के एंथूरियम आप उगाते हैं और क्या ये साल भर होता है? यहाँ पे 15 वेराइटियाँ है और हम लोग साल भर है। कौन कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? ट्रॉपिकल है, यंग है, बॉनफायर है, मैनॉन है, एबिटा व्हाइट है। क्या आप इस एंथूरियम को आउट ऑफ मिजोरम भी एक्सपोर्ट कर भेजते हैं? हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में देते हैं, आइजोल, शिलोंग, कोहिमा, गुवाहाटी और दिल्ली। ग्रीन हाउस से निकलकर मैं इस वक्त उस जगह आ गया हूँ जहाँ पर फूलों की ग्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर क्रिसेंथिमम है, रोजेस हैं, तरह तरह के फूल हैं जिनको उनकी किस्म के हिसाब से उनकी पैकेजिंग की जा रही है। आइए जानते हैं कि कितने तरह के यहाँ पर क्रिसेंथिमम हैं, कितने तरह के गुलाब हैं और कैसे यहाँ पर पैकेजिंग वगैरह होती है। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, बताइए कि हमने इतने खूबसूरत रंग बिरंगे क्रिसेंथिमम, कुछ वैरायटी तो शायद मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, जैसे कि ये जो है, इस वैरायटी को क्या बोलते हैं? क्रिसेंथिमम बोलता है, उसका वैरायटी का नाम है काली मिरोस। अच्छा, ये क्रिसेंथिमम की कौन सी वैरायटी है? काली मिरोस जी। ऐसे क्रिसेंथिमम मैंने बहुत कम देखे हैं, या यूं कहिए देखे ही नहीं है, यहीं पर आके मैंने देखे हैं, क्योंकि जनरली इस तरह के क्रिसेंथिमम आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे अगर आप दिल्ली जैसे महानगर में हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको नूबलो बोलता है, उसका वैरायटी का नाम येलो कलर का क्रिसेंथिमम ही है। अच्छा, क्रिसेंथिमम कितने तरीके के हैं आपके पास और गुलाब कितने तरीके हैं? गुलाब भी 13 वैरायटी अभी तो है, बहुत सारा वैरायटी है, येलो है, रेड है, और क्रिसेंथिमम कितने? 17 वैरायटी है, इसमें सालबेडर है, काली मिरोस है, और नुबलो है, और रेंजा है। तो आपने सुना कि 17 तरीके तो क्रिसेंथिमम यहाँ पर है और 13 तरीके गुलाब यहाँ पर है, हरा गुलाब भी यहाँ पर है, अक्सर हरा गुलाब देखने को नहीं मिलता, और इसके अलावा लिलियम भी हैं जो अंदर कोल्ड स्टोरेज में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इतना खूबसूरत ये सब है, और खूबसूरती के बीच में जब आप रहते हैं तो आप काम करने का भी आपको मज़ा आता है। हम कुछ वर्कर से भी बात करेंगे कि वो कितना कमा लेते हैं और यहाँ पर उनको काम करना कितना अच्छा लगता है। ग्रीन
ग्रीन हाउस में उगाए गए इन फूलों को बड़े करीने से पैक कर पूरे देश में बेचा जाता है। सत्रह तरह के यहाँ पर क्रिसैंथेमम है और 13 तरह के गुलाब आप देख सकते हैं। ये जो क्रीम कलर का, इसको क्रीम कलर कहा जाता है, ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। कितना खूबसूरत है ये देखिए, बिल्कुल हरे रंग का है और कितना ये प्यारा लग रहा है। फूलों के साथ भी आपको नज़ाकत से पेश आना चाहिए, अगर सख्ती से पकड़ा तो मेरी तरह कांटा चुभ जाएगा। बहरहाल हम उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और जानते हैं कि उनको कितना अच्छा लगता है और कितनी कमाई उनकी हो जाती। क्या नाम है आपका? ललरुआ नेमी। अच्छा, ये बताइए कि कितना कमा लेते हैं आप और यहाँ काम करना कैसा लगता है? सैलरी तो 257 है। इधर में काम करने का बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी होता है। पुल का जगह में काम किया है हम लोग, सैलरी भी अच्छा हमें मिलता है। इनका ये कहना है कि रोज़ाना 250 रुपये की इनकी कमाई हो जाती है और फूलों के बीच में जब काम करते हैं तो एक अजीब सा मज़ा आता है। और इस अकेले यहाँ पर जहाँ पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पर करीब 150 वर्कर्स हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन पूरे मिज़ोरम में छोटे बड़े मिलाकर करीब करीब हर गांव के अंदर फूलों की खेती होती है और फूलों का व्यापार होता है। अब आइए चलते हैं आगे और फूलों से निकलकर हम चलेंगे फुटबॉल फील्ड पर। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट ने अपनी अलग पहचान कायम की है और इसमें मिजोरम भी पीछे नहीं है। फुटबॉल के मामले में मिजोरम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इस टैलेंट को बचपन से तराशने के लिए आइजोल के इस मैदान पर ग्रास रूट लेवल फुटबॉल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ स्कूली बच्चे रोजाना 2 घंटे जमकर प्रैक्टिस करते हैं और अपने पसीने से रोनाल्डो जैसा बड़ा सितारा बनने के सपनों को सींचते हैं। My favorite player is Cristiano Ronaldo and I want to play in striker. Ronaldo is the same Ronaldo. Winners, we play winners. So every day after school or do you have a week off also? Yes, week off also. Every day, no Sunday. Yes, no Sunday. Not on Sunday, Monday to Saturday. Say this! Attention! Come on, now! सिर्फ राजधानी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के 6 जिलों में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ग्राउंड चलाई जा रही है। लॉस ट्राइब से लार्जेस्ट फैमिली तक और क्वायर के सुरीले संगीत से लेकर फुटबॉल के मैदान तक हमने आपको मिजोरम के सभी रंग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक झरोखा है। अगर आपको मिजोरम की देखनी है तो आपको मिजोरम जरूर आना चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DD News।